I'm Dr. Manveer Bhatia from Neurology and Sleep Center, Delhi. बहुत सारे सवाल होते हैं कि किस प्रकार का मास्क ठीक है और लोग कहते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं सीपैप लगाने में, मास्क फिट नहीं ठीक बैठ रहा. तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के मास्क और किस में कितना डेवलप हो चुका है. ये हमारे साथ अवनीश हैं, ये आपको समझाते हैं कि एक जो मास्क सबसे पहली कैटेगरी है वो है फुल फेस मास्क. अवनीश बताइए कि क्या है इसमें खासियत. सो बेसिकली ये फुल फेस मास्क है और इसमें जो ये पीछे वेलक्रो होता है ये चार पार्ट में होता है, दो ऊपर होता है और दो वेलक्रो इसका नीचे होता है. सो इसको सिंपल तरीके से पहनने के लिए जो इसके नीचे के दो वेलक्रो हैं इसको दोनों साइड से डिटैच करके इसको जो इसका फ्रंट वो है इसको पेशेंट को इसके फेस पर रख के इधर से लगा के इसको टाइट कर लेना है बस. और रात को अगर आपके उठ के जाना हो कहीं बाथरूम वगैरह तो आप इसी से निकाल के फिर वापस पहन सकते हैं. यस. सो हमारे पास एक तो ये फुल फेस हो गया, हमारे पास ये जेल फुल फेस वाला है. दूसरा एक हमारे पास और फुल फेस है, इसका जो बेल्ट है ये मैग्नेटिक बेल्ट है ये. सो सपोज रात को पेशेंट को वॉशरूम जाता है और दोबारा वापिस आके लगाता है सो ये दूर से इसको खींच लेता है ये. सो दिस वन इज मैग्नेटिक बेल्ट. सो ये भी दोनों फुल फेस है बट दोनों का तरीका अलग अलग है और ऑब्वियसली कंपनीज भी कुछ अलग हैं. ये सिंपल है जो सिंपल नेजल मास्क है. नेजल मास्क का मतलब है कि सिर्फ नोज पे रहेगा. फुल फेस मास्क का मतलब है नोज और माउथ दोनों को कवर करेगा. खासकर जो लोग माउथ ब्रीदर कहते हैं कि मुंह बहुत खुल जाता है या चेहरा बहुत बड़ा है उनके लिए हम आमतौर पे फुल फेस मास्क सेलेक्ट करते हैं. नेजल मास्क कैसा पहनते हैं? सो नेजल मास्क का भी करीब करीब सेम ही होता है फुल फेस की तरह. इसमें भी नीचे के दो जो वेलक्रो होते हैं इसको मैक्सिमम लूज करके इसका बैक साइड बेल्ट पकड़ के ये पेशेंट के नोज पे जाता है. नोज पे रखने के बाद इसको ऐसे पीछे से लगा के फिर हम इसको टाइट कर लेते हैं इस कनेक्टर में. कितना टाइट करना है, कैसे पहनना है वो हर एक इंसान को अपने चेहरे पे कुछ समय लगता है पहनने पे बट आमतौर कंफर्टेबल हो सकते हैं. अगर कुछ दिक्कत होती है तो फिर हम इनकरेज करते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आए, आधा पौना घंटा बिताएं और फिर ताकि वो कंफर्टेबल हो सके. ये लास्ट कैटेगरी इज एन इंटरेस्टिंग कैटेगरी. इसको हम नेजल पिलोस की कैटेगरी में कहते हैं. इसे भी कई कंपनीज ने अलग अलग बताया है. कुछ नॉस्ट्रल्स के अंदर रहता है और कुछ नॉस्ट्रल्स के बाहर रहता है. यस. सो ये जो पोर्शन है मास्क का ये पेशेंट के नोज के अंदर जाता है और जो बेल्ट है ये बेल्ट इसको ऐसे करके पेशेंट इसको नोज में रख के इसका बैक साइड से पेशेंट पहन सकता है और यहाँ पे एक मशीन का ट्यूब कनेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज नेजल पिलो मास्क. सो इसमें एक्चुअली कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि वेलक्रो एक सिर के ऊपर भी है, एक सिर के नीचे भी है और फिर लगता है कि मेरे को टाइट हो रहा है या फोरहेड या नोज पे बहुत प्रेशर आ रहा है. तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपका फेस और इतनी सारी वेलक्रो और निकालने और पहनने का भी तरीका बहुत अलग है. तो ऐसे ही एक और नेजल पिलो है और वो भी कुछ कुछ ऐसा है. फ़र्क सिर्फ ये है कि ये नोज के बाहर रहेगा और जिन लोगों को नॉस्ट्रल के अंदर अच्छा नहीं लगता वो महसूस होगा. और ऐसा ही एक तीसरा एक और है, वो भी एक नेजल पिलो ही कहते हैं एंड जिसका भी पूरा का पूरा जो हेड गियर है वो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बना हुआ है ताकि फेस पे किसी तरीके से बहुत प्रेशर नहीं फील होता. तो उम्मीद रखते हैं कि किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर पेशेंट्स को हम कंफर्टेबल करा सकते हैं बट ऑफ कोर्स टाइम लगता है, कुछ आपका कुछ हमारा, ताकि हम सही मास्क चुन सकें. थैंक यू सो मच.